हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सरिता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सरिता पटेल टेक्स। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप सभी यूट्यूब यूज करते हैं, अगर आपका भी यूट्यूब पे एक चैनल है तो आप लोग भी चाहते होंगे कि आप एक अपने यूट्यूब चैनल का बैनर अच्छे से अच्छा बना सके। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप बैनर किस तरीके से बना सकते हैं और किस तरीके से आप उसको सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बैनर बनाना नहीं आता है या आपका बैनर सेट नहीं हो पा रहा है तो आपके लिए मैं बता दूं कि आपका जो बैनर लगा हुआ है आपको उसको चेंज करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर आपको बैनर बनाना नहीं आता तो आपको ऊपर आई बटन में एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए, आप बैनर बनाना बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी बैनर को बनाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो वो आप सब आसानी से कर सकते हैं। कुछ लोग बैनर के लिए कवर फोटो, कवर आर्ट भी बोलते हैं, पर ये सभी चीजें सेम होती हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको अगर कोई कहे कवर फोटो या मतलब कवर आर्ट या यूट्यूब चैनल का बैनर तो ये सभी एक ही होते हैं। अगर आप मतलब इनको बनाना चाहते हैं तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, आप इसको किस तरीके से सेट करेंगे वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल पे बैनर लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आप अगर क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं तो आप क्रोम ब्राउजर का यूज कर लीजिए, नहीं तो आप ओपरा मिनी का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ओपरा मिनी का यूज़ करेंगे कि आप किस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पे बैनर लगाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया है, ऊपर आपको लोगो नज़र आता होगा, आपको लोगो पे क्लिक करना है और जो रेड आइकन दिखता है इस पर क्लिक करेंगे, इससे हम पहुँच जाएंगे डेस्कटॉप साइट पर। तो यहाँ पर अभी ये ओपन होने वाला है तो हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने चैनल पे बैनर लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कट कर देना है ऊपर से, और यहाँ पे ये मेरा नया चैनल है, मतलब इस पर मैंने एक भी वीडियो डाली नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ भी आपको यहाँ वीडियो नज़र नहीं आएगी, अगर आपके चैनल पे वीडियो अपलोड है तो यहाँ पे आपको अपनी वीडियो नज़र आएंगी। तो यहाँ पे साइड में आपको काफ़ी ऑप्शन नज़र आते हैं, आप देख सकते हैं इधर साइड में आपको काफ़ी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको एक जो मतलब स्टार टाइप का एक ऑप्शन दिखता है डॉलर के नीचे, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने ये इंटरफेस सामने आ गया। अब आपको ऊपर तीन ऑप्शन मिलते हैं, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फो। तो आपको क्लिक करना है ब्रांडिंग वाले ऑप्शन पे, तो हम ब्रांडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने तीन ऑप्शन खुल चुके हैं। तो आपके सामने पहला है लोगो का और सेकंड है बैनर इमेज। तो आपको क्या करना है, बैनर इमेज वाला जो सेकंड ऑप्शन है इस पर अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ से अपनी गैलरी ओपन करेंगे, यहाँ पे हमने जो अपना बैनर बना के रखा है वो हमें यहाँ से अपना निकाल लेना है। तो यहाँ से मैंने जो बैनर अपना बनाया है वो बैनर मैं आपको दिखाती हूँ, ये बैनर आ गया मेरे सामने और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। इस बैनर को आप क्रॉप भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं ये बैनर मेरा ऐसा ही सेट हो जाएगा तो आप इसको ऐसे ही कर दीजिए और नीचे आपको डन का ऑप्शन दिखता होगा, आपको डन कर देना है। तो जब आप डन पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं ये बैनर लग चुका है। अब आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, चेंज और रिमूव। तो अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से दूसरा जो आप बैनर बनाएंगे वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब ये आपका बैनर लग जाएगा तो आपके सामने ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पब्लिश, तो आपको ये पब्लिश का ऑप्शन क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे पब्लिश वाले पे तो ये पब्लिश हो जाएगा, मतलब ये सेट हो जाएगा। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये बैनर लगा है या नहीं लगा है। तो चलिए हम चलते हैं अपने चैनल पे कि ये बैनर लगा है या नहीं लगा है। तो आपको हम दिखाते हैं कि ये बैनर लग गया या नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बैनर सेट हो चुका है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से अपना बैनर लगाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।